सब बढ़िया होंगे। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं जबलपुर, और एक्चुअली सुबह थोड़ा सा बिजी थे काम में तो व्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो अभी हम ट्रेन में आ गए हैं और हमारी ट्रेन थी कितने बजे की ट्रेन थी? 5:45 की ट्रेन थी। तो हम 4:45 बजे घर से निकल गए थे और हमारे घर से पास में ही था तो आराम से आके बैठ के सीट वीट मिल गई। और फिर आफ्टर आई थिंक 15 to 20 मिनट के बाद जो है ट्रेन चल पड़ी है। तो सब मुझे यहाँ पर मन्ना ने बोला कि चलो माँ ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो पीछे पड़ा था। तो मॉर्निंग में आपको पता है गाइस तैयारी करनी होती है, लंबा सफ़र है खाना वाने की, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया तो ब्लॉग शूट करने का। तो कोई ना, हम रास्ते में आप शुरू किया है तो हम इंजॉय करते जाएंगे। और अब हम देख चल रहे हैं, बस अभी ओखला स्टेशन निकला है। और ये देखिए ट्रेन का, अगर मैं दिखाऊँ, जैसे कभी ट्रेन देखी नहीं। और मनन, संजू और सौभाग्य सामने वाली सीट पे बैठे हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। ये देखिए मनन, एक्चुअली गाइस हमारी सीट के टाइम पे ये हो गया है कि हमें दो सीट वो सामने की मिली है, ऊपर और नीचे की, और एक यहाँ ऊपर की है। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा देखते हैं मैनेज कैसे करेंगे, नीचे की बर्थ नहीं मिल पाई हमको। तो एक दिन पहले हम ऐसे ही जस्ट देखने आए थे स्टेशन पे कि थोड़ा रश वश का कैसे है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो कैसे। उस टाइम पे रात को रश नहीं था, लेकिन आज थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, मतलब फैमिलीज हैं हमारी AC 2 में है तो है थोड़ा बहुत, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं। एक्चुअली फेस्टिवल का टाइम है तो सबको लगता है कि अपने फैमिली लोगों के साथ में फेस्टिवल मनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा जो ससुराल है, मेरे इन लॉज रहते हैं वहाँ पर, हम भी जा रहे हैं इस बार। इस बार हम फर्स्ट टाइम होली वहाँ पर करेंगे, क्योंकि होली हम लोग एक्चुअली मेरे मायके में करते हैं जो कि यमुनानगर में है, हरियाणा के अंदर जो आता है। और दिवाली हम जबलपुर की करते हैं। तो इस बार थोड़ा सा जो प्रोग्राम है चेंज हो गया है, तो हम अभी जा रहे हैं होली के टाइम पे जबलपुर। तो ये देखिए हमारी ट्रेन चल रही है। एक्चुअली हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कोरोना की वजह से कि हम किस पे जाएं, मतलब एक बार हम कार बाय कार गए थे तो ठीक है, 14 घंटे की जर्नी थी। एक्चुअली बड़ों का तो फिर भी चल जाता है, तो लेकिन बच्चे बहुत थक गए थे उसमें। हम लोग दिल्ली से निकले थे सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, और वहाँ पर हम जाके पहुँचे थे 9:30 के करीब। तो नॉन स्टॉप ड्राइविंग की थी बसीन साहब ने तो वेग जी ने, हमारे होनहार जो ड्राइवर साहब है तो लेकिन उस टाइम पे बच्चे बहुत थक गए थे। और ये भी था कि फर्स्ट टाइम का ट्रिप था बाय कार, तो एक्साइटमेंट थी तो इसलिए हम चले गए थे। लेकिन अब सेकंड टाइम जब जाना था तो बहुत सोच रहे थे कि थोड़ा बच्चों के करके लग रहा था कि क्या से बोलते हैं, जैसे कोरोना चल रहा है तो कार से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं। फिर ट्रेन से एक चीज़ तो है गाइस के फैसिलिटी है, आप आराम से लेट सकते हैं कहीं भी और रेस्ट कर सकते हैं। कार में तो आप बैठे हो तो उसमें थोड़ा सा एग्जर्शन हो जाता है। बच्चे तो बहुत थक गए थे उस टाइम पे, बार बार बोल रहे थे कब आएगा दादी का घर, कब आएगा। तो अभी फिर बच्चों ने भी सजेस्ट किया कि नहीं हम ट्रेन से ही चलेंगे, तो फिर हमने बच्चों की बात मान ली। तो अभी हम फिर ट्रेन में हैं। तो गाइस जैसे जैसे रहेगा तो मैं आपको आगे की भी चीज़ें बताती रहूँगी। तो आगे हमारे मनन भी वीडियो शूट कर सकते हैं, तो देखते हैं, फिर मिलते हैं फिर हम जबलपुर जा के। तो बीच बीच में आपको क्लिप्स मिलते रहेंगे चीज़ों के। टिल देन टेक केयर, बाय। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9, और अभी स्टेशन निकला है मुरैना, और इसके बाद आने वाला है ग्वालियर।
अब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिनर लिया है, डिनर कर चुके हैं हम, और डिनर करने के बाद अब अपनी सीटों पे सोने के लिए जा रहे हैं। बच्चे सेट हो चुके हैं, ये देखिए, जैसे कि ये डॉल, ये मनन, ये दोनों जाग रहे हैं। सौभाग्य सो चुका है और अभी हम दोनों भी जाग रहे हैं। सभी थोड़ी देर बाद अब हम भी अपनी सीट पे जाएंगे और सो जाएंगे, फिर देखते हैं सुबह का क्या सीन रहता है। ओके, टिल देन बाय। 7 बज चुके हैं पहले से ही। अब ये देखिए, यहाँ पर पापा बैठे मेरे साथ और ये यहाँ पे सब। आज मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ सेकंड पार्ट का, तो हम ये सारे ब्लॉग्स एक ही वीडियो में, जो हम बाद में एडिट करके कट कर देंगे। क्यों, मैं नहीं करा। आज का आज जैसे ये आज का मैं आ रहा हूँ, तो आज दूसरा दिन है, तो जितने दिन के हम आएंगे तो एक ही वीडियो में डालेंगे, इसलिए डिटेलिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 होने वाले हैं, तो अभी जस्ट कटनी क्रॉस किया है। एक्चुअली झांसी के बाद ट्रेन 2 घंटे रुक गई थी, तो 2 घंटे थोड़ा सा लेट हो गई है और अभी जस्ट कटनी क्रॉस हुआ है, तो अभी जबलपुर नहीं आया है। तो आपको दिखा रहे हैं सुबह का व्यू, देखिए। जैसे कि अभी हम ट्रेन में ही हैं, आप देख सकते हैं, तो अभी हमको टाइम लगेगा, शायद से 1 घंटा लग जाएगा जबलपुर आने में। तो देख मिलते हैं स्टेशन जब आएगा, तो फिर देखते हैं, तो आपको दिखाएंगे जबलपुर का स्टेशन। टिल देन वेट करिए स्टेशन आने का। ओके, मिलते हैं फिर स्टेशन पे। बाय। तो हेलो, आइए हम बोलिए। अभी ट्रेन नहीं है, अभी जबलपुर नहीं आया है। 8 बज चुके हैं और हम अभी तक भी ट्रेन में ही हैं। 8:22 हो चुके हैं। अगर गाइस रात को ट्रेन नहीं रुकी होती तो हम अभी तक अपने वहाँ पर दादी दादा के पास बैठे होते हैं, पर हम अभी भी ट्रेन में बैठे हैं। पापा भी आ चुके हैं, पापा थोड़ी देर बाहर गए थे यहीं पर। तो अभी जैसे स्टेशन आएगा तो हम आपको दिखाएंगे जबलपुर का स्टेशन। अभी ट्रेन में और बच्चे बहुत वो करेंगे, कब आएगा, जल्दी से बस ट्रेन से बाहर निकले। बोर हो रहे हैं, अब तो बोर हो चुके हैं टोटली, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है। बाकी आप कुछ बोलना चाहिए? नहीं, तो मिलते हैं स्टेशन पर जबलपुर। अभी हम आ चुके हैं जबलपुर, ट्रेन आ गई हमारी जबलपुर पे और हम स्टेशन से बाहर निकल आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए, अब हम घर जाके आपको बता। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो घर जाके आपको फिर बताएंगे हम। हमने यहाँ उतर के क्या किया, ऑटो रिक्शा, ऑटो किया है। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं जबलपुर का स्टेशन। तो मिलते हैं घर जाके। तो गाइस, हमने ऑटो कर लिया है, ऑटो में बैठे हैं, बैठ गए और ऑटो में बैठे साथ पापा मुझिया दीदी का फोन आ गया। ऑटो में बैठ गए हम और ये देखिए सब आगे।
हाय बेबू, कहाँ जा रहे हैं हम? जबलपुर तो पहुँच गए, अब कहाँ जा रहे हैं? दादी के घर। दादू के घर? दोनों अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही तो है। दादू दादी के घर दादी का फोटो में थे। हमने ब्रेकफास्ट करा, फिर नहाए धोए, फिर हमने लंच करा। हम बीच में भूल गए कि हमें ब्लॉग बनाना था घर का। तो अब आपको मिलाते हैं जिया दीदी से। ये रही जिया दीदी, ये हमारी यहाँ पर ये बैठे। आप भी हेलो बोल दो। ये जिया दीदी है जिनके बारे में हमने आपको दिल्ली में बताया था। हाँ, ये आजकल बहुत चल रही है। और यहाँ पर डॉल पियानो चला रहा हूँ मैं, ये टॉयज मेकअप जो कर रहे हैं। और अभी बाकी लोगों से भी आपको बुलाते हैं। ये रे दादू और दादी बाहर बैठी है, रुकना से आता हूँ मैं। ये दादी और पापा आकर थक गए थे तो वो सो गए। और ये बड़े पापा अभी एक और रहता है लक्ष्य। लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य अभी बाहर गया है, आपको थोड़ी देर के बाद मिलाते हैं उससे। लक्ष्य ये सुभाग्य जैसा कुछ पूछी था। ये रहा सुभाग्य, इसके साथ ही खेल रहा है। हाँ, इसे ये पता नहीं टॉय सा कुछ मना रहे हैं। तो आज इस व्लॉग का एंड करते हैं हम। आपको अगर रात का कुछ दिखाना आएगा, कहीं जाएगा तो आपको दिखा देंगे, वरना आज इस व्लॉग का एंड करते हैं। अभी थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आपको थोड़ी देर बाद क्या कल हम शायद कहीं जाए गार्डन या पार्क, तो आप उसका व्लॉग बनाएंगे। ट्रैवल के अंदर ट्रैवल का व्लॉग बनाएंगे। आज के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब बोल दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये हम अभी ट्रैवल व्लॉग डालेंगे तो आपको इसमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। बच्चा पार्क पार्टी है धमाल, जो देख सकते हैं। हाँ, सब बैठे हैं, सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। हाय तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा हमको। हमारा ये ट्रिप है, अभी हम जबलपुर में आए हैं तो अभी हम डेली व्लॉग करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल मॉर्निंग वाले ब्लॉग में। बाय बाय।